जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई लोग, आज की वीडियो शांति दूतों पर होने वाली है। इस वीडियो में हम उनको कुछ बहुत अपार ज्ञान देखने वाले हैं। हालांकि आप इस ज्ञान से पहले ही परिचित होंगे, पर कुछ और नमूने मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वीडियो। आज दुनिया नाम लेती है किसका? माइकल, डार्विन, न्यूटन, आइंस्टीन। इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या बात है, जो कुछ भी किया है मुस्लिम साइंटिस्टों के थ्योरी को चुरा कर। वाह वाह वाह, मुस्लिम साइंटिस्टों की मतलब नॉलेज को कन्वर्ट करके अपने नाम पे इजाद कर लिया। कोई बात नहीं, हम तो तो दोस्तों, जैसा इस मौलाना ने बताया कि न्यूटन और आइंस्टाइन जो है उन्होंने उनकी थ्योरी कॉपी कर ली है। बट जो एक थ्योरी है जो कॉपी कर नहीं पाए हैं, वो तो आप अगली क्लिप में उसको देखिएगा। और दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन वीडियो का मकसद कोई हेट फैलाना नहीं है, तो आप इस वीडियो को इंटरटेनमेंट के रूप में ही देखिएगा। क्योंकि पिछली वीडियो जो ईसाइयों पर थी, पादरियों पर थी, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे जो ईसाई हैं और उनसे ज़्यादा जो अपने हिंदू हैं वो बुरा मान गए। वो बोल रहे थे कि आप ऐसे किसी एक धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ इनकी बातें ही ऐसी होती हैं कि खुद उन पर मीम बन जाते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं ये सब कर रहा, पूरे सोशल मीडिया पर जो अजीब होती हैं वो तो चलते ही हैं दोस्तों चीज़ें। तो आप इस वीडियो को इंटरटेनमेंट के रूप में ही देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पाखंड जो है सिर्फ और धर्मों में, हमारे धर्म में भी हो सकता है, तो आप उनको एक्सपोज कर सकते हैं जो पाखंड हैं। हम इनको कर रहे हैं, वैसे एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, हम इंटरटेनमेंट के रूप में ही देख रहे हैं। सूरज आपके मुंह से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया, कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी? जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट, जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस क्या, साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती, नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। अक्ल नाम की चीज लोग तुम लोग गाना बजाओ। बेटे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, मिनटों में घंटों में सफर तय हो जाता है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन गए, आज ऐसे तैयारे बन गए जो आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेजी से उड़ते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरे आका कितनी देर में सफर करके आए, बड़ी तेज रफ्तार सफर हो रहा है। आप सर्दियों में जब बिस्तर से उठते हैं ना, चंद सेकंड्स के लिए, थोड़ी देर के लिए बिस्तर गर्म रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, बराबर हो जाता है उसका टेम्परेचर। और किसी के घर में कुंडी हो, आजकल तो कुंडी नहीं होती, लॉक सिस्टम हो गया है, मगर पुराने घरों में कुंडी होती थी, अगर दरवाजा जोर से बंद करें तो कुछ देर तक कुंडी हिलती है, चंद सेकंड्स की बात होती है। सुभान अल्लाह, मेरे आका बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए मक्का पाक से, सातों आसमानों की सैर की, फरिश्तों ने मुबारकबादियां पेश की, अंबिया से मुलाकात हुई, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, रब का दीदार किया, न जाने वहां कितना वक्त गुजारा, जन्नत के तबकात देखे, जहन्नम के तबकात मुलायजा फरमाए। नबी पाक वापस अपने घर पहुंचते हैं, कितनी देर लगी? उलमा लिखते बिस्तर अभी तक गर्म था। समझा नहीं? दिखाता हूं। तोता उड़ मैना उड़ के खेल में जब कोई गधी को उड़ा देता है तो बहुत मार पड़ती है। मोहम्मद साहब की गधी ना केवल उड़ी बल्कि 1.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ी। आप बोल ना। म्यूजिक चाहे चांद पे
पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ। तुम्हें कब से क्या? मुझे बवासीर है। कहीं और जाके मराइए। हर चीज जायज है अगर अल्लाह उसके रसूल ने रोका नहीं, मना नहीं किया। शराब भी जायज थी जब तक मना नहीं। सबसे बड़ी मिसाल क्या होगी कि शराब भी जायज थी। मेरे पास सबूत है, ऐसी जायज थी कि बात सहाबा कराम ने इसे पिया भी। सबूत है मेरे पास। जब जायज है तो इसमें एतराज क्या? ये भी मेरे पास सबूत है कि नशे की हालत में नमाज भी पढ़ लिया, तब अल्लाह ने मना किया, ला तक़रबु सलात वअंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ जब नशे में रहो। यानी नशे में रहो तो नमाज मना है, नशा नहीं मना। फिर नबी ने नशा ही मना कर दिया। अबे मना करने से कोई चीज हराम होती है तो सबूत देना है तो हराम का सबूत दो। रुको जरा, सबर करो। और कैसी शराब होगी कि उसका एक कतरा जमीन पर डाल दिया जाए तो पूरी जमीन खुशबूदार हो जाए, पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए। और अल्लाह अपने नेक बंदों को शराब इसलिए भी पिलाएंगे कि उन्होंने दुनिया में शराब नहीं पी होगी और अपने आप को रोका होगा। तो जजा मिन जिन्स अमल होती है, जैसी कुर्बानी वैसा बदला। कयामत के दिन मैं तुम्हें इसका बेहतरीन बदला अता करूंगा। जो जो चीजें मैंने तुमसे छुड़वाई थी अब वो मैं तुम्हें अता करूंगा, क्योंकि हमने इम्तिहान के लिए छुड़वाई है, हमेशा के लिए थोड़ी छुड़वाई है। लेकिन जन्नत में जाने वाला आपको कंटिन्यूस फ्लो हो रही है वो चीज। एक बार आदमी ने पिया या खाया उसको एक टेस्ट आएगा, अगली बार खाएंगे तो इसका टेस्ट अलग। ये वो शराब नहीं है, और उन शराब में भी मुख्तलिफ किस्म के महक होंगे, उसमें भी सेंस टेस्ट डाले जाएंगे अलग। समझ रहे बात? ला युसद्दउना, सदर का मतलब सोदा कहते सर दर्द को, यानी हेडेक नहीं होगा। हेडेक यानी लैकिंग ऑफ हेडेकिंग, यानी लैकिंग ऑफ हेडेक, यानी ये शराब जो होगी जन्नत की उसके अंदर सरदर्द नहीं होगा। तो ये खराबी जन्नत की शराब में नहीं होगी। सब मिलेगा इंशाल्लाह, बस पहुंच जाए वहां पे आप किसी तरीके से। सब मिलेगा इंशाल्लाह, बस पहुंच जाए वहां पे आप किसी तरीके से। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।